अभी देखते हैं कि इस ट्रेनिंग में आखिर हम सीखेंगे क्या क्योंकि 500 हंड्रेड डॉलर कमाने के लिए 1300 हंड्रेड डॉलर कमाने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज तो होना ही चाहिए अभी वो लोग जिन्हें पता है इस बात का कि कोई स्किल जब वो सीखेंगे तो तभी वो कुछ कर सकेंगे उन्हें ट्रेनिंग का सिलेबस देख के बहुत मजा आने वाला है लेकिन वो लोग जिन्हें धोखे में रखा गया है कि एक का पांच हो जाता है बगैर हाथ हिलाए वो बड़े डिसअपॉइंट होने वाले हैं अभी डिसअपॉइंट हो जाएं, वो बेहतर है इससे अच्छा की आप एक हजार भी ज़ाया कर दें अपना और अगेन आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको इस ट्रेनिंग में आने के लिए कोई भी पहले नॉलेज की जरूरत नहीं अगर आपको कंप्यूटर बी यूज नहीं करना आता इट डज नॉट मैटर हम सब कुछ स्टार्ट से सीखेंगे जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग से हम देखेंगे एक्चुअली में एथिकल हैकिंग होता क्या है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तो है लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे हम देखेंगे कितने टाइप के हैकर्स होते हैं स्टेजेस क्या होती हैं स्टेजेस क्या होती हैं हैकिंग की टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी होती हैं नेटवर्किंग क्या चीज होती है इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर से बनता है तो अभी जब आपको ये बताया जा रहा है स्टार्ट हार्डवेयर से किया जा रहा है तो इससे पीछे कोई चीज नहीं रहती आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहले जरूरत नहीं है इसके बाद मॉजल होगा फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉन्सेंस इसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोला जाता है इसमें टारगेट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है जैसे कि अगर हम टारगेट करते हैं टेस्ला डॉट कॉम को या टिकटॉक को तो हम उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है उसे पता लगे बगैर वो इकट्ठी करेंगे उसके बाद जो आता है मॉड्यूल वो है स्कैनिंग नेटवर्क इनमेशन और वनरेबिलिटी एनालिसिस इसमें होता यह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने टारगेट के बारे में इकट्ठी की होती है उसकी बेस पे हम टारगेट को स्कैन करते हैं और ये सब कुछ टारगेट की परमिशन के साथ ही किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट टिकटॉक है तो हम टिकटॉक की परमिशन के साथ उसे स्कैन करेंगे हम देखेंगे उसमें कौन कौन सी वनरेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह हम उसमें एंटर हो सकते हैं क्या वीकनेस है उसमें उसके बाद हम देखेंगे पायथॉन को भी पायथान किस चीज का भाई नाम है में भी आपको ना पता हो तो पायथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे कि मेरी जुबान है उर्दू आपकी जुबान भी उर्दू है अगर तो आप ये डेमो क्लास यहां तक पहुंच गए हैं देखते देखते तो आपको उर्दू समझ आएगी मुझे भी उर्दू समझ आएगी इस तरह जो कंप्यूटर को समझ आएगी उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि मुझे एक काम है तो उसे तो समझ नहीं आने वाली क्योंकि उसकी जुबान है प्रोग्रामिंग तो इसी तरह पायथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि एथिकल हैकिंग के लिए पायथन किस तरह यूज होती है और पाइथन का प्रोग्राम कैसे आपने राइट करना है अगेन आपको इसका नॉलेज पहले होने की जरूरत नहीं है इसके बाद हम मॉड्यूल सेवन में मूव ऑन होंगे पाइथन स्क्रिप्टिंग पे इसमें हम अपना खुद का पोर्ट स्कैनर बनाएंगे अभी आपको नहीं पता पोर्ट्स क्या होती है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा लेकिन हिंट दे देता हूँ ये किसी सिस्टम में एंटर होने का किसी सर्वर वगैरह में एंटर होने का एंट्री वे होता है जरूरी नहीं आप हर पोर्ट की मदद से एंटर हो सके लेकिन कुछ पोर्ट्स होती हैं जिनकी मदद से आप उसमें एंटर हो सकते हैं तो हम अपना खुद का पोर्ट स्कैनर बनाएंगे पाथॉन में और हम और भी हैकिंग टास्क को पाइथन की मदद से ऑटोमेट करेंगे उसके बाद हम मूव ऑन होंगे सिस्टम हैकिंग पे इसमें हम देखेंगे पासवर्ड क्रैकिंग को प्रिविलेज एस्केलेशन को बैकडोर्स क्रिएट करने को देखेंगे कि अगर जब आप सिस्टम में एंटर हो जाते हैं तो बाद में लेटर इन टाइम आप कभी भी एंटर हो सकेंगे अगर एक दफा हैक कर लेंगे तो इसमें हम एडवांस टेक्निक सीखेंगे सिस्टम हैकिंग की और ये भी सीखेंगे कि आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं अपने आप को भी उसके बाद हम मूव ऑन होंगे मालवेयर थ्रेड्स पे जो वायरस होता है उसे हम मालवेर भी बोलते हैं इसमें हम देखेंगे कि मालवेयर जो होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है उसकी डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और मालवेयर को आपने कैसे बनाना है कैसे डिप्लॉय करना है और कैसे इसके अगेंस्ट डिफेंड करना है और लेटेस्ट मालवेयर की टाइप्स क्या है और लेटेस्ट मालवेयर को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बाद हम मूव ऑन होंगे C++ पे तो जैसे Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम इसमें देखेंगे कि C++ को हम एथिकल हैकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आपने C++ में सिंपल प्रोग्राम को राइट वगैरह करना है और वो लोग जिनको प्रोग्रामिंग का पहले ही पता है और मुश्किल लगती है उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं हम इसे इस तरीके से सीखेंगे कि आपको जरा भी मुश्किल नहीं पेश आएगी इसे सीखने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चाहे वो C++ है चाहे वो Python है नेक्स्ट मूव ऑन होंगे मॉड्यूल 11 पे जो कि होगा स्निफिंग के बारे में इसमें हम देखेंगे कि स्निफिंग जो है वो किस तरह वर्क करती है मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूं स्निफिंग की कि फॉर एग्जांपल आप किसी और से कनेक्ट हैं एक नेटवर्क पे किसी और बंदे से बात वगैरह कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क जो है उसके नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है Hackers जो होते हैं वो स्नेफ इस तरह करते हैं कि आपके और आपके जो दोस्त होता है या कोई भी होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसके दरमियान से स्निफ करता है इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि आप अपने दोस्त से ही बात कर रहे हैं हो सकता है कि आप फेसबुक से कम्युनिकेट कर रहे हो उसके नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हो तो जो आप वहां इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर एग्जांपल के लॉग इन करने के लिए आप अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं तो जो हैकर होते हैं वो दरमियान से आपकी जो डिटेल होती है वो चुरा लेते हैं और फिर उसे यूज करते हैं इस तरह सोशल मीडिया हैक होते हैं और ये एक ही तरीका नहीं है ये स्निफिंग में हम पैकेट स्निफिंग देखेंगे और देखेंगे कौन कौन सा पैकेट स्निफर आप यूज कर सकते हैं और यही नहीं हम अपना बीस निफर इसमें बनाएंगे उसके बाद हम मूव वन होते हैं मॉड्यूल ट्वेल्व पे सोशल इंजीनियरिंग भाई सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें आप किसी सिस्टम को हैक नहीं करते इसमें ह्यूमंस को हैक करते हैं हैकर्स सोशल इंजीनियरिंग में हैकर्स जो होते हैं वो धोखे से इंसानों को दूसरे बंदों को बेचते हैं कोई लिंक भेज देते हैं कोई एप्लीकेशन भेज देते हैं कि भाई ये करो ये हो जाएगा या वो करो वो हो जाएगा लेकिन एक्चुअली में वो हैक हो जाते हैं लेकिन अब आप डरिएगा ना क्योंकि लिंक वगैरह तो हमने भी आपको भेजा होगा लेकिन अगर आपको हैक करना होता तो हैकिंग की ट्रेनिंग से आपको हैक ना करते हम आपको कोई और जांचा देते हैक करने के लिए तो आपने इस तरह स्केप्टिकल नहीं होना कि मे बी फ्यूचर में ये देखने के बाद हम आपको कुछ बोले और आप बोले कि भाई आप हैक कर लोगे इस तरह की कोई बात नहीं है तो इसमें हम सोशल इंजीनियरिंग में कालीस में देखेंगे कालिनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज करते हैं उसमें हम देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग टूल किट को आपने कैसे यूज करना है किस तरह फिशिंग पेजेस क्रिएट होते हैं किस तरह हैकर जो हैं वो सोशल इंजीनियरिंग की मदद से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उनको हैक कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपने डिफेंड कैसे करना है सोशल इंजीनियरिंग अटैक से अपने आप को आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे मॉड्यूल थर्टीन पे डिनाइल ऑफ सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस की मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे एक वेबसाइट है फेसबुक या कोई और वेबसाइट कर लें डिनाइल ऑफ सर्विस में हैकर जो होता है ये सबसे इजी होता है डिनाइल ऑफ सर्विस में हैकर जो होता है वो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर को अब सर्वर का मे भी आपको ना पता हो जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव है आपका सिस्टम है आपका मोबाइल है उसकी एक मेमोरी होती है जिसमें डाटा वगैरह स्टोर होता है तो सर्वर इसी तरह होता है जो कि इंटरनेट पे वेबसाइट की एक हार्ड ड्राइव सी होती है उसमें उसका डाटा होता है तो वो इतनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं हैकर उस सर्वर पे कि वो जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्स करना छोड़ जाता है ज्यादा रिक्वेस्ट की वजह से इसमें हम देखेंगे कि हैकर जो है वो किस तरह डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स परफॉर्म करते हैं और अपने आप को कैसे डिफेंड किया जाए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से नेक्स्ट मूव ऑन होंगे सेशन हाईजैकिंग पे अभी नेक्स्ट मॉड्यूल्स का मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊंगा क्योंकि मे बी आप भोर ना हो जाए क्योंकि अभी ये बात नहीं हो रही कि आप कमाएंगे कितना अभी बात हो रही है आप सीखेंगे क्या तो सीखेंगे क्या जब बताया जाता है तो बंदा बोर हो जाता है ठीक है तो मैं आपकी जो है सिचुएशन समझता हूँ लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत कम्प्रीहेंसिव होगी 140 फोर्टी प्लस आवर्स की होगी 140 घंटे से भी ज्यादा की होगी लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसे कितनी स्पीड से करते हैं कम्प्लीट क्योंकि ये आप अपनी स्पीड से इसे कम्पलीट करेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप दिन में एक घंटा इस ट्रेनिंग को देते हैं या दिन में दस घंटे देते हैं जितना टाइम देंगे उतनी जल्दी ये कम्प्लीट होगी और ये ट्रेनिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी इसमें सब कुछ हैंड्स ऑन बताया जाएगा प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा और गाइड भी आपको किया जाएगा तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो है सेशन हाईजैकिंग सेशन हाई जैकिंग अभी क्या होती है इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आप फेसबुक ओपन करते हैं या आपने ब्राउजर में YouTube ओपन की हुई है और आप लॉग्ड इन है YouTube में मतलब आपका अकाउंट जो है वो लॉग्ड इन है तो जो हैकर्स होते हैं वो करते क्या है वो आपका जो सेशन होता है वो हाईजैक कर लेते हैं जो कुकी स्टील करते हैं आपकी और अपने सिस्टम पे जब वो ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट जो होता है वो उनके सिस्टम में लॉग हो जाता है क्योंकि YouTube, Facebook वगैरह को लगता है कि भाई ये आप ही ओपन कर रहे हो लेकिन वो हैकर ओपन कर रहा होता है इसका भी हम प्रैक्टिकल ओवरव्यू करेंगे देखेंगे हैकर कैसे सेशन हाईजैक करते हैं और कैसे इससे बचा जाए नेक्स्ट ओवन होंगे मॉड्यूल 15 पे हैकिंग वेब सर्वर जैसे कि बताया है आपको कि जिसमें वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है उसे सर्वर बोला जाता है इसमें देखेंगे कैसे हैकर होते हैं वो वेब सर्वर्स को हैक करते हैं लेटेस्ट क्या टेक्निक्स हैं एडवांस मेथड्स के देखेंगे और अपने वेब सर्वर्स को कैसे सिक्योर किया जाए उसके बाद हम मूव ऑन होंगे हैकिंग वेब एप्लीकेशन नाउ हैकिंग वेब एप्लीकेशन जैसे कि आपको बताया है कि फेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को देखेंगे जैसे कि आपने बग बाउंटी में देखा जो टेक्निक्स यूज करके वो रिवॉर्ड हासिल करते हैं हम सेम टेक्निक्स भी सीखेंगे और अपनी वेब एप्लीकेशन को कैसे सेव किया जाए वो भी हम देखेंगे आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे पी एच पी एंड जावा स्क्रिप्ट तो जैसे कि एक वेबसाइट होती है फेसबुक हो गई यूट्यूब हो गई ऐसे ही वेबसाइट की जो लैंग्वेज होती है उनमें से दो लैंग्वेजेस हैं पी एच पी और जावा स्क्रिप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी हम देखेंगे एथिकल हैकिंग के पर्पज़ेस के लिए और इन्हें कैसे यूज किया जाता है एथिकल हैकिंग में वो भी हम देखेंगे आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू मॉज्यूल एटीन एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत डेडली अटैक होता है जो कि करते हैं इसमें हम सीखेंगे कैसे डिटेक्ट किया जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे प्रिवेंट करना है कैसे प्रैक्टिकली एसक्यूएल इंजेक्शन किया जाता है कौन कौन सी टूल्स होती हैं जो यूज करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे मॉड्यूल 19 पे हैकिंग वायरलेस नेटवर्क उसके वाईफाई को कैसे हैक किया जाता है हम इसमें मल्टीपल टूल्स यूज करके वाईफाई को हैक करेंगे और ये भी देखेंगे कि आप अपना वाईफाई जो है वो आप अपना नेटवर्क जो है वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसके बाद है hacking, हम मूव ऑन होंगे हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स इसमें हम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे कि कैसे वो हैक होते हैं उन्हें कैसे सिक्योर किया जाए लेटेस्ट एक्सप्लेशन टेक्निक्स देखेंगे डिफरेंट टूल्स आपने कैसे यूज करनी है मोबाइल प्लेटफॉर्म को हैक करने के लिए और अपने मोबाइल्स को कैसे सिक्योर करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके मोबाइल फोन में सब कुछ होता है और अगर कोई हैक कर उसे कॉम्प्रोमाइज कर ले हैक कर ले तो आपका सारा डेटा बैंक डिटेल्स पिक्चर वगैरह सारी हैकर्स के पास चली जाती हैं तो इस मॉड्यूल को भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट मूव ऑन होंगे जावा प्रोग्रामिंग पे तो जावा भी एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रोग्रामिंग होती क्या है तो जावा प्रोग्रामिंग को आपने एथिकल हैकिंग पर्पजेस के लिए कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीखेंगे और टेक्निक सीखेंगे कि तो कैसे सिंपल प्रोग्राम राइट किया जाता है जावा में आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे आईओटी हैकिंग पे अभी आईओटी आपको मे बी ना पता हो आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो जो चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा कि जो इलेक्ट्रिक कार है या कोई ऐसी चीज जो कि कनेक्ट हो जाती है नेटवर्क से जैसे स्मार्ट टीवी है जैसे स्मार्ट फ्रिज वगैरह होती है वो आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें हम आईओटी हैकिंग तक को देखेंगे उसमें कॉमन वेदलेबिलिटीज को देखेंगे कैसे उन्हें एक्सपर्ट किया जाता है लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है और कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं हैकरी आफ्टर दैट हम मूव ऑन होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग पे तो जिन्हें पता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है इसमें हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को आपने सिक्योर कैसे करना है उसमें कौन कौन सी कॉमन वर्नबिलिटीज है जिन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है कैसे एक्सप्लोयर किया जाता है प्रैक्टिकली देखेंगे लेटेस्ट टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे क्लाउड की पेनेट्रेशन टेस्टिंग करेंगे एंड हाउ टू सिक्योर योर क्लाउड इन्वायरमेंट इसमें हम सब कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे After that, we'll move on to cryptography. इसमें हम देखें कैसे चीजों को इनक्रिप्ट किया जाता है डिक्रिप्ट किया जाता है कि वो सिर्फ आप ही देख सकें वो इतनी सिक्योर हो जाएंगी आपके अलावा कोई भी उन चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएगा कौन से टूल्स यूज करने हैं क्रिप्टोग्राफी के लिए क्या टेक्निक्स हैं और कैसे डिफेंड किया जाए से. After that, we'll move on to 25 CTFs. इसमें types of जाते हैं। उन्हें सॉल्व किया जाता है इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है सी में किस किस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए ये बहुत ही फन मॉज्यूल होगा आगे मूवन होंगे फ्री पे फाइनली इसमें हम देखेंगे कि as an ethical hacker, आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं क्लाइंट्स को कैसे फाइंड किया जाए जो कि आपकी सर्विसेज बाय करेंगे प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाए क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है क्योंकि अक्सर लोग फ्रीलांसिंग में चले तो जाते हैं पैसा दे के लेकिन उन्हें बात ही नहीं करनी आती क्लाइंट से तो इस मॉड्यूल में हम डिटेल से उसका ओवरव्यू करेंगे उसके बाद हम ऑन होंगे फाइवर पे अर्निंग कैसे करनी है आपने फाइवर पे अपना गिग कैसे डालना है उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करनी है थंबनेल कैसे बनाना है किस तरह आपका गिग सेल होगा क्योंकि अगेन फाइवर पे भी बहुत ज्यादा लोग अपना अकाउंट बना लेते हैं पैसे दे के लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आती करना क्या है गिग कैसे बनाना है और फिर उनका ऑर्डर ही नहीं आता महीनों तक इसमें हम सब देखेंगे कि कैसे आपने वो सब कुछ करना है जिससे आप फाइवर पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन जस्ट फ्यू डेज एंड नॉट जस्ट दैट आगे हम मूव ऑन होंगे बग बाउंटी पे बग क्राउड पे हैकर वन पे हम देखेंगे कैसे आपने अकाउंट वगैरह क्रिएट करने हैं कैसे आपने अपनी बग रिपोर्ट को तैयार करना है कंपनी को सेंड करने के लिए कैसे रिवॉर्ड दिया जाता है कैसे पे आउट निकालना है और कैसे अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करना है एज अ बग बाउंटी हंटर उसके बाद मॉड्यूल 29 पे मूव हुआ जाएगा पोर्टफोलियो पे कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अपने प्रोजेक्ट्स कैसे लगाने हैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो कैसे स्टेट करना है क्योंकि इससे भी आप अपने जो क्लाइंट्स है उन्हें ला सकते हैं अपने पास और अपना गिग जो है अपनी सर्विसेज जो है वो बेच सकते हैं उसके बाद लास्ट मॉड्यूल होगा सिक्योरिटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन कि अपनी साइबर सिक्योरिटी फर्म को आपने कैसे सेटअप करना है कैसे आपने यूएस में कंपनी को रजिस्टर करना है कैसे आपने ओवरसीज क्लाइंट्स लाने हैं और ज्यादातर वर्क सिक्योरिटी फर्म में आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स से ही लेंगे क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है इसमें सिक्योरिटी फर्म की रजिस्ट्रेशन से लेकर कैसे क्लाइंट लाना है जो वो काम देगा कैसे वो करना है पे आउट कैसे लेना है मार्केटिंग कैसे करनी है सब कुछ इंक्लूडेड होगा